श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् अष्टादशाधिकशतमः सर्गः सीता अनसूयां प्रति रामगुणान् सङ्कतस्य स्वस्य तेन सह निरूपचरिताचारं कथयन्ति यदि निर्गुणोऽपि भर्ता स्त्रीणां सेव्यः किं गुणाविशिष्ट इति निगमयति

Uh, भीष्टवर्णे सीतां छन्दयति प्रतुष्टा चा, um, चानि चन्त्या अपि दिव्यमाल्याभरणानि ददौ अनसूयया पृष्टा सीता तस्यै um, स्वयंवरवृत्तं प्रतिपादयति त्वा ते त्वेवमुक्ता वै देही त्वनसूया न सूयया प्रतिपूज्यवचो मंदम प्रवत्तुं उपचक्रमे दैतदाश्रं दैतदाश्यमायायाम् यन्मं त्वमनुभाषसे विदितं तु ममाप्येत यथा नार्या प्रति गुरुहु यद्यशयेष भर्ता अनार्यो वृत्तिर्वर्जितः अद्वैतमत्रव वक्तव्यम् तथाप्येष मया भवेत् किं पुनर्यो सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वर्तते दृष्ट दृष्टव दृष्टस्वी स्त्री नृपेण नृपवत्सल मातृव वीरा वीरो मानुत्सृज्य धर्म आगच्छन् यास्य विजनं भयावहं समाहितं हि मे श्वश्वा हृदये यस्थिरं मम पाणिप्रधानकाले च यत्पुरासन्निधौ अनु अनुशिष्टं जनन्यामे वाक्यं तदपि मे धृतम् न विस्मृत मे सर्व्यिणी पतिशुश्रूषु शुश्रूषण नारास्तपो न्य दीयते सात्री पतिशुश्रूषा कृवा स्वर्गे मही वृत्तिशयाता याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवं वरिष्ठा सर्वनारीणा च दिविदेवता रोहिणी नवीना चन्द्रम् मुहूर्तमी दृश्य से एवं विदाश प्रवरा स्त्रि भर्तुर्दृढ़व्रता देवोक महीयते पुण्य स्वेण कर्मण तथो न सूया संघृष्टा शुक्त सीतया वच शिस्याोवाच मैथि हर्षयु हर्षयन युद्ध नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि महदस्ति तत्संश्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचिव्रते उपपन्नं च यु युक्तं च वचनं तव मैथिली प्रीता चासुक्षितां सीते करवाणि प्रियं च तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्द विस्मया विस्मया कृतमित्यब्रवीत् सीता तपो सात्वं समन्वितां सा त्वं प्रीतितरा भवत् सफलं प्रहर्षन्ते हन्त सीते करोम्यहम् वस्त्राभरणानि च अङ्गरागञ्च वै देहि महार्हं मनुलेपनं मया हतामिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपस अनुरूपम् असङ्क्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति अङ्गन् अङ्ग गेन दिव्येन दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्री विष्णुमव्ययं सावस्त्रमंग रागं च भूषणानि स्रजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमं प्रतिगृह्य च सत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी धीरा समुपास तपोदनां तता सीता मुपासिना मनसू यदृढव्रता वचनं प्रष्टु मारे बे कथं कञ्चि काञ्चित अनुप्रियाम स्वयं वरेखिलप्राप्तात्वमनेन यशस्विना राघवनेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ताम कथा श्रोतुम् इच्छामि विस्तरेण च मैतिली यता भूतं च कान्त्ये का ते वर् एवंक्ता सीता तापसी धर्मचारिणी शूयता मिति वै कथयासता कथा मिथिलाधिपतिवीर जनको नाम धर्मवी क्षत्रकर्मी न्यायतः शास्ति मेदिनी हस्तलहस्तक्षेत्र मंडल अहम किलोतिता भित्वा जगती नृपते सुता सा, साम दृष्ट् नरपतिर्मुष्टिविक्षेप तत्पर पांसुगुंटित अङ्कमारोप्य च स्वयं ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः अन्तरिक्षे च वा

दत्ता चास्मिष्ट वद्य ज्येष्ठा पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मातृ सौहृदा पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा तु मे पिता चिंता मभ्यमा अभ्यगम दीनो वित्तनाश दिवाघ सदृशाच्छापकृष्टाश्च अलोके कन्या पिता जना प्रदर्शनमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि तां दर्शन

सदनुप्राप्यमे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिन समवायेन नरेन्द्रानां पूर्वमा मन्त्र्य पार्थिवान इदं च दनुरुद्यम्य सज्जम्य कुृते नरः तस्य मे दुहिता भाया भविष्यति न संशयः तच्चदृष्ट्वा धनुश्रेष्ठं गौरवाद्गिरि सन्निभं अभिवाद नृपा जगम्मशक्स्तोल सुदीर्घ काल्स राघवों महाद्युति सहितो सहित यज्ञ समागतः लक्ष्मण सह भ्रात्रा सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा पिता सुपूजिता प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ रामलक्ष्मणौ सुतौ दशरथस्येमौ धनुर्दर्शनकाङ्क्षिणौ धनुर्दर्शयत् रामाय राजपुत्राय दैविकम् इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुसमुपानय तद्धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम्

था तथम त्रय पिता सत्यासंधि उद्यता दातुम उद्यम्य जलभाजन दीयम नदा प्रतिजग्राह राघव अभी पितृंद मयोध्यातिपते प्रभो तत श्रु मानत्य वृद्धं दशरतम रूपं मम पित्रास्वहं दत्ता रामाय विदितआत्मने मम चैवाgnuजा साद्वि मूर्मिला शुभदर्शनं बार्यात बार्यारते बार्यार लक्ष्मणस्यपि दत्ता पित्रा मम स्वयं एवम दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंबरे अनुरक्तास्मि धर्मैण